कदर दार कर ले टू दिया हूँ। अच्छा टू वाला इजमार के साथ टू वाला देखो कल बताया था वाला वाली वाला वाला या वाले बनाते कैसे हैं इजमार के बाद रियल में इसका कॉन्सेप्ट देखो शॉर्टकट में याद करेगा उतना तो नहीं याद होगा टू प्लस भी वन लगता है तो वाला वाली हो जाता है लेकिन किसके साथ इजमार के साथ वाजवेयर के साथ या सेल्वी विल बी के साथ इजमार के साथ लगाएंगे है वाला हो जाएगा वाजवेयर के साथ लगाएंगे तो थाते थी वाला हो जाएगा सेल्वी विल बी के साथ लगाएंगे तो गागे जैसे देखो मैं जाने वाला हूं तो बोलेंगे आई एम टू गो क्या बोलेंगे आई एम टू गो जैसे मैं जाने वाला था तो आई वॉज टू गो टू प्लस भी उन करते रहेंगे मैं जाने वाला रहूंगा आई शैल बी टू गो ये कल बता दिए थे हो गया ना हो जाते हैं ना बन गया ना एक एक क्वेश्चन ही बता दिए थे सारा बना लिया था अच्छी बात है आज भी बताएंगे टू प्लस भी वन ही देखो आज भी बताएंगे टू प्लस भी वन ही आज जब टू प्लस भी वन करेंगे तो वाला वाली नहीं होगा आज जब टू प्लस भी वन करेंगे तो वाला वाली नहीं होगा कुछ आरे हो जाएगा देखो कल किए टू प्लस भी वन तक क्या हो गया वाला वाली हो रहा था ना आज करेंगे तो वाला वाली नहीं होगा पड़ता पड़ती हो जाएगा तो सिंपल सी बात है सेम बात तो बोलेंगे नहीं भरम यही बोलेंगे टू प्लस भी वन ही जोड़ेंगे लास्ट में लेकिन सेम बात थोड़े बोलेंगे बोलेंगे कुछ और जैसे यहां इजमार के साथ बोल रहे थे वाजवेर के साथ बोल रहे थे सेल्वी विल्वी के साथ बोल रहे थे लेकिन यहां इजमार वाजवेर सेल्वी विल्वी के साथ नहीं बोलेंगे तो किसके साथ बोलेंगे तो हैज अब हैज के साथ बोलेंगे हैज के साथ बोल सकते हैं हैव के साथ बोल सकते हैं हैड के साथ बोल सकते हैं ये तो समझ में आ गया सर कि ये प्रेजेंट वाला हो गया हैज अब किसका हो गया मतलब है वाला होगा पढ़ता है हो जाएगा ये बोल दिए तो पढ़ता था हो जाएगा लेकिन फ्यूचर कैसे बोलेंगे फ्यूचर के लिए हमेशा सेल या विल तो आएगा ही सेल विल लेकिन सेल विल के साथ बी भी आ जाएगा यहां पे सेल के बाद टू आता है सेल टू होगा नहीं सेल विल फिक्स है ना सेल विल अपने बात पहले भी वन लेता है ये बात फिक्स है ना बी भी वन इसलिए तो बी दे देते हैं ना टू भी वन है सिर्फ टू देंगे तो काम चलेगा नहीं चलेगा तो तुमको क्या देना पड़ेगा पहले बी अब दे दो टू प्लस भी वन लेकिन नहीं नहीं यहां भी नहीं आएगा यहां भी आएगा अगर यहां भी आ जाएगा तो हो जाएगा वाला वाली देखो मैं जाने वाला रहूंगा तो क्या बनेगा आई सेल बी टू गो यही ना हो जाएगा आई सेल बी टू गो तो मैं जाने वाला रहूंगा क्वेश्चन है कि मुझे जाना पड़ेगा मुझे जाना थोड़े हो सकता है अगर जब मुझे जाना पड़ेगा आप बनाएंगे तो फिर भी वही बन जाएगा ना तो यहां पे बी के जगह किसका यूज करेंगे हैव का क्या बोले जब ये हैज अब हैड का बात हो हैज अब हैड का फ्यूचर बनाने का बात हो तो हैज अब हैड का फ्यूचर कैसे बनेगा सर सेल बिल आएगा और सेल बिल के बाद ये हैज अब हैड में से एगो आएगा तब ना होगा फ्यूचर एगो तो आएगा ना तो हैड तो नहीं आएगा हैज आएगा नहीं आएगा क्या आएगा हैव आएगा पता है क्यों आएगा हैव ये बात तो नहीं बताना है हैवे क्यों आएगा बताओ यहाँ यहाँ देखो यहाँ हैवे क्यों आएगा रुक जा उसे पूछे है हम तुम बोले पूछ के बताने के लिए बोलो भाई बोलो कटिए बोलेगा बोलो भाई ये भी वन है तभी ना आएगा क्या फायदा तुम लोग पढ़ करके आ जाओ भाई ये भी वन है इसलिए आएगा अच्छी क्यों दूंगा कहाँ
भाई टू प्लस वी वन है ना, वी वन का इसको वी वन बोलेंगे, ये वी वन है, पहले बता दिए थे वी वन है कि वी सिक्स है, ये बात तो साफ साफ बता दिए, इसलिए ना पहला क्लास में बता देता ना सर, छोटा छोटा बात पहले क्लास में बता दिए कि वी वन, क्योंकि जब ये तुमको वी वन बी सिक्स में दिक्कत होगा फिर दिक्कतें होते रह जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा कहाँ वी वन क्या, क्या वी फाइव क्या वी टू, वो वी सिक्स है, इसलिए टू प्लस वी वन आ सकता है ना, ऐसे ही भर्ब को सेट करते तो टू प्लस वी वन ही सेट कर देना, कहीं भी कोई सेंटेंस में अगर तुम भर्ब घुसाना चाहता है टू प्लस वी वन घुसा सकता है, जैसे मैं जाना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू गो करना पड़ेगा, तो कहेगा वॉन्ट बी, देखो तब तो सोचेगा बच्चा वॉन्ट बी वी वन है और टू गो, देखो ये भी वी वन है, ये भी क्या है वी वन है, लेकिन बीच में जोड़ने के लिए क्या आया, तो टू दो गो भर्ब को जोड़ सकते हैं किस से, टू से, ये तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया मेरा, हम अपना कॉन्सेप्ट ये नहीं बताते कि दो गो जोड़िए, हम कहते हैं कि टू प्लस वी वन आता है, मतलब भर्ब का छट्टा आता है, ये क्या है वी वन है कि वी सिक्स है, वी सिक्स है ना, इस पे नजर नहीं जाता है, दोनों लेके है ना साथ में, ठीक है आ जाओ, तो यहाँ भी आएगा कि हैव आएगा, हैव आएगा, तो हिंदी में क्या हो जाएगा पड़ेगा, क्या हो जाएगा, देखो तीन क्वेश्चन जाएगा, पढ़ता है जैसे देखो इसमें दिखाता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ेगा, सेल विल के साथ यूज करेंगे तो दिखाते हैं, आ जाओ जैसे बोलेंगे एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे जाना पड़ता है, क्या बोले मुझे जाना पड़ता है, क्या बनाएंगे आई पड़ता है पड़ती है, अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मुझे जाना है, बुक में देखना सेंटेंस ऐसे भी होगा मुझे जाना पड़ता है, या तुम इसको बोल सकता है मुझे नहीं पड़ेगा, पड़ेगा टेंस चेंज हो जाएगा, जब ये पड़ेगा बोल दिया तो टेंस नहीं बदल जाएगा, वो किस में चल जाएगा, अगर बोल दिया पड़ा मुझे जाना पड़ता था या मुझे जाना पड़ा, इसमें आ जाएगा, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है, इसमें आ जाएगा, मतलब जो भी जरूरी मजबूरी आता है ना, जरूरी मजबूरी इसी इसी का है, तुमको क्या क्या है, तुमको कोई भी काम लगे कि जरूरी है या तुमको लग जाए कि मेरा मजबूरी है, अब से मान लो कि 10 बजे एग्जाम है फाइनल इंटर का, तो तुम्हारा जरूरी है भाई, वो नहीं देगा तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा, तुम्हारा मन भी नहीं करेगा, समझ में आ गया ना, तो कुछ काम जरूरी हो जाता है, अब मान लीजिए तुमको सुबह अब एग्जाम के लिए सुबह सुबह उठ करके पढ़ना पड़ता है पास करने के लिए, तो तुम्हारा वो क्या हो गया, तो एक ही काम जरूरी भी हो सकता है, एक ही काम दोनों हो सकता है ना, अब मान किसी को 8 बजे कोचिंग जाना पड़ता है मजबूरी है, नहीं पढ़ेगा पास कैसे पढ़ेगा, अब मान लो उसको कुछ आगे बढ़ना है या इंटर पास करना है, तो उसके जरूरी भी हो गया ना, वही काम जरूरी भी हो जाएगा, वही काम जरूरी मजबूरी दोनों के वही तो बनाते हैं, टेंस थोड़ा बदलता है, तो बोले मुझे जाना पड़ता है, क्या बोलेंगे, अच्छा आई के साथ क्या लगाएंगे, आई हैव टू गो, हो गया, अगर बोलेंगे इसको टेंस चेंज करो, टेंस चेंज करेंगे यह नहीं बदलेगा, क्या हो जाएगा बोलो, पास्ट करो, मुझे जाना पड़ता था करो, या जाना पड़ा, पड़ता था या नहीं बोलेगा, जैसे हमको जाना पड़ा, जैसे कल हाथ में भोज था, क्या बोलेगा हमको जाना पड़ा, नहीं जाते तो फिर मेरे यहाँ भी भोज खाने नहीं आता, है ना, हो जाएगा, बोलते हैं तो जाना पड़ा या पड़ता था, तो हम लोग पड़ता था ऐसे नहीं बोलते, हम लोग हमको जाना पड़ा, हमको आना पड़ा, उनको बताना पड़ा, आप उसको बताना पड़ा, तुमको देखना पड़ा, उसको लिखना पड़ा, ऐसा ज्यादा बोलते हैं, है यही सेंटेंस, हम लोग बोलते कैसे, हाँ ऐसे बोल देते हैं, दोनों चलेगा, मुझे जाना पड़ता था या पड़ा, तो क्या बनेगा, आए बस इसका पास्ट करो, क्या हो जाएगा, आई हैड टू, मुझे जाना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट, मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक, मुझे खेलना पड़ा, मुझे सोचना पड़ा, आई हैड टू थिंक, अब मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले, मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट, उसे बोलना पड़ता है, ही के साथ हैज आ जाएगा ना, ध्यान रखेंगे, हैज भी आ सकता है और क्या आ सकता है, हैव भी, तो हैव कहां कहां आता है, किसका बात होगा, मैनी का, मैनी का, और वन का बात होगा तो ना हो जाएगा, और भी है जैसे जिसमें आई है, यू है, वी है, दे है, मैनी है, सबके साथ क्या आएगा, हैव, ही है, सी है, इट है, वन है, तो सबके साथ क्या आएगा, दूसरे तरीके से इज के साथ, जहां जहां इज लगता है वहां वहां क्या लगेगा, और जहां जहां एम और आर लगता है वहां वहां क्या लगेगा, ठीक से जैसे याद रहे, एक बार जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा,
मुझे जाना पड़ेगा। तो देखो आगे क्या आ गया ना, आ जाओ क्या बोलेंगे, आई सेल हैव टू गो। अच्छा लोग कंफ्यूजन कहां होता बताए इस क्वेश्चन में, देखो क्या क्वेश्चन फंसता है, उसे जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, तो देखो क्या बनेगा, ही विल हैव टू गो। लोग क्या सोचता है, अरे ही के साथ तो है जाना चाहिए था ना, पॉइंट समझा, कंफ्यूजन होता है, उसको लगता है कि ही के साथ क्या होना चाहिए, ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ है लगता है ना, लेकिन यहां पे ही के साथ क्या लगा दिए हम, तो हम ही के लिए हैव लगा है, हम ही के लिए तो विल लगा है, हम विल को खुश करने के लिए हैव लगा है। देखो सब एक दूसरे को खुश करने के लिए आता, देखो ही को खुश करने के लिए कौन आया, सेल विल था, सेल नहीं आया, सेल आएगा तो दुख हो जाएगा, विल आया, फिर विल वर्ब का क्या मानेगा, पहला, हमको इसी तीन को में से एक को दागना है, इस भर का पहला कौन था, हैव, तो हैव आए विल को खुश करने के लिए, अब हैव अपने बाद भर का क्या मानेगा, या तो तीसरा या तो छठा, पॉइंट समझ में आया, क्यों बताए थे, तो बताओ तीसरा है हमारे पास, क्या का बात करें, हमको परता प्रति करने के लिए क्या मांग करना पड़ेगा, टू प्लस बी वन, परता प्रति करने के लिए भर का छठा करना पड़ेगा ना, अब भर का छठा आता है कि नहीं हैव के साथ, तो देखो इसको खुश करने के लिए आया, मतलब सब एक दूसरे को खुश करने के लिए आता है, और सही से देखेगा तो यही चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर का लास्ट चैप्टर है, जिसको बोला जाता है सिंटैक्स, सिंटैक्स बोलो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलो, दो तीन क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे एग्जाम में, रहता भी है, तो ये सब बात अब ये बता दिए देंगे, ताकि वहां बताएंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वहां बताने में, वहां बस हल्का सा हिंट्स करेंगे, यही के साथ देखो हैज लगता नहीं है, अपने समझ आएगा, अब जब सेल विल के साथ यहाँ हैज होगा नहीं होगा, है तो सिंटैक्स का बात सब, जब ये वर्ब कौन किस वर्ब के साथ कौन सा आएगा, कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, ये सब बात बताएंगे, तो सब बात किसका है, सिंटैक्स का, इसका अनुसार लगता है हर चैप्टर में चैप्टर पढ़ाइएगा, हाँ इसलिए सबसे लास्ट में रखा, बोला जब ये सब चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, तो चैप्टर अपने आप पढ़ लिए, पढ़ाने का जरूरत नहीं है, आओ मुझे जाना पड़ता है क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता था क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा क्या बोलेंगे, आई शैल हैव टू गो, उसे लिखना पड़ेगा, ही विल हैव टू राइट, तुमको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक, आपको आना होगा, मान लो ब्याह है तुम्हारा, तुमने कहा है आपका क्या, परवो नहीं करता ब्याह नहीं करेगा, तो परवो नहीं करता है, तब वही कर शादी ब्याह करके झंझट खत्म करो ना अपना, जिसको लग रहा है कि अगर पढ़ लिखा के आगे हम नहीं आ सकते हैं, तो फिर अपना ट्रैक चेंज करो, देखो तुम जिस तुमको नहा लगता है कि हम वहां अच्छा कर सकते हैं वही काम करो, मन मार के कोई काम करेगा मजा नहीं आएगा, हमको पता है मन बैठा तुमको मजा नहीं आएगा, ग्रेजुएशन कर लेगा, तुम नहीं हो बैठेगा एग्जाम क्लास में ना, तो ये तुमको 60% आ जाएगा, लेकिन गधेर आ जाएगा ना, फिर तो फिर क्या फायदा, डिग्री पे रहेगा छपल, तो डिग्री मायने रखता है कि कहीं यहाँ भरो यहाँ भूसा है निकाल कर निकाल भरे हो, तो कोई थोड़े भर देगा, भरना तुम्ही को पड़ेगा, तो भाई तो तुम तो काफी है, तो पास तो कर ही जाएगा तुम, क्या चीज ले आ रहा तुम, तो हो जाएगा नहीं आने का जो होता तुमको, भाई तो तुमको उतना थोड़े पढ़ना है, तो थोड़ा मोड़ा ना पढ़ना है, रात में एग्जाम कल एग्जाम है ना, आज कहीं मैंने उल्टा दे रहा हूं गैस पेपर खरीद ले ना, रात में उल्टा हो गया, थोड़ा मोड़ा काफी है, तुम तो अपने दस अंक का बात करता है, पहले तो एक बात पे टिक हो, पहले एक बात पे टिकेगा ना, पहले एक बात पे टिक जा, तो जब ये हम आंसर देते हैं ये अपना चेंज कर लेता है, फिर देखो अगला बात, तुम कहा चेंज कर रहा है बात सब, तुरंत करा कि मन नहीं लगता है, अब ये करा ले आता है, अब ये करा कि पढ़ना ही नहीं है, फिर करा कनी मनी पढ़ना है, पहले तुम डिसीजन कर, घर बिना सोच के आना कि हमको क्या करना है, हाँ तो पैसा बर्बाद, ज्यादा पैसा हो गया है तो बर्बाद, देखो पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि कहीं जाके दान कर दो, हो सकता है तुम्हारे पैसा तो कोई बच्चा पढ़ ले और तुमको नहीं पढ़ना है, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है, तो तुम क्या करो, गांव में कोई तो होगा जो हो सकता है कि पैसा की वजह से नहीं पढ़ पा रहा होगा ही, ये बुदूगा तो तुम उसको दे दो, है कि नहीं, तो तुम देखो तुम लोग क्या करेगा, इसको उसके पास भेज देगा,
हाँ उसको बोलेगा ये पैसा उसको दे देगा, वो आके पढ़ लेगा तो तुमको भी खुशी मिलेगा कि चल मेरे पैसा से कोई तो पढ़ रहा है, नहीं होगा कर लेगा, एगो को पढ़ा है, एगो को पढ़ाओ कम से कम, नहीं तो नहीं ना कम से एगो को पढ़ाओ, पढ़ाएगा ठीक से ना, एगो तो भेजेगा, कहाँ भेजेगा, देखता है समझ गया ना कितना पढ़ाएगा, नेता वाला बात बोल रहा है, हम पढ़ाएंगे ना अपना, समझ आएगा ना कितना पढ़ाएगा, जानवे करता है, आ जाओ आ जाओ बोलो, तो मुझे जाना पड़ता है, क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो, अगर मैं सॉरी यहाँ सब्जेक्ट जब ये चेंज होगा तो है बदल जाएगा ना, क्या हो जाएगा हैज, तो मतलब प्रेजेंट वाला में दो गो आते रहता है, हैज और हैव, इसको देख करके, पास्ट वाला में एक गो आएगा, ताम झाम नहीं है, फ्यूचर वाला में दो गो आएगा, कौन कौन बताओ, एगो शैल हैव एगो विल हैव, बस यही दो गो आएगा, तो ध्यान रखें कहां शैल है कहां विल, कांसेप्ट पता है, आई के साथ वी के साथ क्या आएगा शैल, अब बाकी कुछ दिखे क्या चिपका देंगे, बाकी कुछ छुचा नहीं करना, हो जाएगा ना, तो बोलो मुझे जाना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, आई शैल हैव टू गो, अब मुझे सॉरी आपको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, आपको पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रीड, जैसे ई कहता है इसको तुमको पढ़ना पड़ेगा, तब लाता है तो, हैं तो क्या कहता है इसको, यू विल हैव टू रीड, कहता तुमको जाना पड़ेगा, कहता नहीं, देखो यही चीज तो बोलता है, कल इसको इंग्लिश में तुम बोलेगा क्या बोलेगा, बोल देगा क्या बोलेगा, यू विल हैव टू गो, ठीक है ना, तुम बोला नहीं हमको नहीं जाना पड़ेगा, तुम मना करना, तो मना करेगा तो कैसे मना करेगा भाई, नॉट लगा देगा ना, तो नॉट किसके बाद लगाते हैं, चाहे इंग्लिश में कोई भी टेंस हो कोई भी सेंटेंस हो, नहीं वाला बनाना है ना तो नॉट लगता है, इतना बात याद रखो, और नॉट किसके बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, मतलब तुम हेल्पिंग वर्ब खोज लिया तो निगेटिव बना लेगा तुम, तो बताओ मेरा हेल्पिंग वर्ब कहां है, यहां से देखो इसका हेल्पिंग वर्ब कहां है, हेड के बाद क्या लगा देंगे, हो जाएगा निगेटिव, इसका हेल्पिंग वर्ब कहां है, हेड के बाद लगा दो, इसका हेल्पिंग वर्ब कहां है, देखो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, देखो सेल भी हेल्पिंग वर्ब है भी हेल्पिंग वर्ब है, मन में डाउट आएगा सर इसके बाद किसके बाद, पहला वाला, पांचों का हेल्पिंग वर्ब है उसे कोई मतलब, हमेशा पहला वाला हेल्पिंग वर्ब मतलब यहां बीच में आ जाएगा, इसका मतलब आई शैल नॉट हैव गॉन, आई शैल नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, हो जाएगा ना, अच्छा आज और अगर वही क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये जो सर हेल्पिंग वर्ब है ना इसको उठा करके सब्जेक्ट के पहले रख लीजिए, जैसे सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब है प्लस जो भी हो, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा कहां रख लीजिए, सब क्या हो जाएगा, तो ये काम एगो में करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा इंग्लिश में करेंगे, पूरा इंग्लिश पहला चैप्टर से लेकर के आखिरी तक होगा, मतलब नाउन से लेकर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक, इंग्लिश में अगर पूछेगा तो पहला चैप्टर क्या होगा देखेगा ग्रामर समय, तो वाला तुमको नाउन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अंतिम क्या मिलेगा वही सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो लास्ट चैप्टर है, तो ये तुम हर चैप्टर में कहीं 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 पढ़ेगा, जैसे दिस के साथ इज लगता है, दैट के साथ इज लगता है, दिस के साथ आर लगता है, ये सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, सब्जेक्ट क्या किया है वर्ब के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि हम सिंगुलर तो आप भी सिंगुलर, हम प्लुरल तो आप भी प्लुरल, मतलब सब्जेक्ट अगर एगो रहेगा, सब्जेक्ट अगर क्या रहेगा एक रहेगा तो वर्ब कहता हम भी एक के बुलाएंगे, सब्जेक्ट अगर दो गो रहेगा तो वर्ब कहता हम भी दो गो बुलाएंगे, यही है तुमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिक बता दिए, पॉइंट समझा गए ना, ये तो हर जगह पढ़ते रहते हैं, सिंगुलर था सिंगुलर प्लुरल था अभी भी पढ़े होंगे, देखो ना क्या बोले इसे वन के साथ, देखो मैनी के साथ बोले ना हैव आएगा, वन के साथ क्या आएगा, ये सब उसी चैप्टर का बात सब है, लास्ट पढ़ेगा घबरा मत, आ जाओ तो बोलेंगे क्या मुझे जाना पड़ता है, क्या बोलेंगे आई हैव आई टू गो, तू छोड़ देंगे हैव आई गो, कुछ नहीं होता है, देखो बोलेंगे हैव आई गो, दुनिया में कुछ नहीं होता है, क्योंकि हैव के साथ वर्ब का क्या मान आता है, या तो तीसरा या तो छठा, छठा नहीं बोल रहा है पाला बोल दिए, हैव आई गो बोल सकते हैं, ऑप्शन तो रहेगा इसमें, जब क्वेश्चन तो बनाएगा ना तो ऑप्शन तो हैव आई गो लिखा रहेगा, तो होगा वो सब होता है कुछ सर हैव है तो कम से कम तीसरा या कम से कम छठा, तीसरा अगर तीसरा बोल दिया तो टेंस हो गया, और तुम अब ये देखो यहां पे अगर तीसरा रख दिया ना इसके जगह पे क्या रख दिया, गो का तीसरा क्या होता है, ये हो गया टेंस, कौन टेंस पता है, प्रेजेंट परफेक्ट,
पढ़ेंगे आगे, पॉइंट समझ आ गया ना। तो मतलब वो 26 आता है तो कहां पहुंच गया, वो तो हो जाएगा चुका चुकी। देखो अगर 2 प्लस बी 1 है तो पढ़ता पढ़ती ना, और सीधे गॉन कर दिया तो चुका चुकी, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। तो पढ़ता पढ़ती से चुका चुकी जाने में ज्यादा का दिक्कत नहीं है, कथी का दिक्कत है ये 2 का। 2 हटाओ, भर का तीसरा फिक्स करो, हो जाएगा चुका चुकी ना, हो जाएगा। और समझा, ठीक है चलो। तो एक एक क्वेश्चन बता देते हैं बुक का, पहला जो भी एक्सरसाइज होगा ना उसका पहला क्वेश्चन, इसको देखो जो छापेगा छापो जल्दी, ऐसे ही रहता है। देख लो तुमने बुक का क्वेश्चन है 6 3 6 एक्सरसाइज होगा, मतलब 6 क्वेश्चन है तो नहीं बन जाएगा, मुझे काम करना है, पढ़ता है नहीं दिया है, नहीं दिया ना, लेकिन वही बात ना, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना है या मुझे काम करना, तो घबराना नहीं, बनेगा वैसे ही। आई हैव टू वर्क, अच्छा इसको ऐसे ही बोल सकता है, आई हैव टू के बाद टू डू वर्क बोल सकता है, कैसे बोलेगा सो देख लो, समझ लो, मैंने बात डाउट आ ही रहा होगा। देखो वर्क का ना डबल रूल है, वर्क तुमको नाउन भी है और वर्क तुमको मतलब नाम भी है काम भी है। नाउन मतलब नाम, संज्ञा कोई बोला होगा, संज्ञा ले बात बोल जाओ उसको, कहियो संज्ञा बोलेगा तुमको कहियो, ये फिर तुमको समझ नहीं पाएगा इंग्लिश, जो भी नाउन को संज्ञा बोलेगा ना वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा फिर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बता रहे हैं बोला था ना कॉन्सेप्ट बता दिए, और तुम अभी नहीं बोलता तो फिर हमको याद नहीं आता ना, तो तुम अगर नाउन को संज्ञा बोल रहा है तो फिर इंग्लिश नहीं सीख पाएगा तुम। हाँ इसलिए नाउन को आज से क्या बोला, वर्ब को क्या बोलेगा, तो बोलेगा क्रिया, तो हर क्रिया ये बोलेंगे नहीं नहीं, वो बोला क्रिया नहीं भाई, वो इससे अच्छा काम बोलो, तो समझ में भी आ रहा ना, क्रिया समझ में आएगा, तो बोलेगा हम क्रिया कर रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं, ठीक है चलो समझ आ गया, सही बात है। तो देखो इसका डबल रोल हो गया ना, मान लो अगर नाउन है हमको चाहिए वर्ब, अगर ये तो अच्छा बताओ हमको वर्ब चाहिए तो ई वाला ले लेंगे, खुद ले लेंगे वर्ब हो गया, लेकिन जब हमको वर्ब चाहिए हम इसके नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो हो सकता है, तो पहले वर्ब देना पड़ेगा। जैसे देखो टू प्लस, देखो टू वर्ब हो सकता कि नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये नाउन है कि वर्ब है, सो बताओ वर्ब है, तभी तो टू के पास भी मना गया। अच्छा अब जो बताओ यहाँ पे वर्ब को हम पहले टू के बाद हम भी वन यूज कर लिए है, भर पहले से यूज कर लिया ना दूसरा उठा करके, इसका मतलब इसको हम क्या समझ रहा है, बस यही अंतर है, समझा ना, मतलब इसमें यहाँ पे इसको नाउन है अभी तो इसके पहले कोई भर दे दिया है, यहाँ पे इसको खुद मान लिए भर। हाँ बोलो हाँ हाँ, मैं काम करूंगा आई सेल वर्क, मैं काम करूंगा क्या बनेगा आई सेल वर्क, नहीं तुमको दिक्कत है तो कर देना आई सेल डू वर्क, तो बुक में कहीं कहीं वर्क कहीं कहीं रहता है तो कंफ्यूजन नहीं लेना, तो डू कहा लगा दिया हाँ। तो यहां वर्क का हिंदी काम करना, यहां वर्क का हिंदी काम, यहां इसका वर्क का नाउन में क्या हो गया काम, तो काम में भर भी बता लास्ट में ना है, आप बता इसका क्या हो जाएगा काम करना, तो ना आ गया ना, अब समझ में आ गया होगा ठीक है। तो बोलो मुझे काम करना है, क्या बोलेंगे आई हैव टू वर्क या आई हैव टू डू वर्क, लेकिन ऐसे बोलेगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएगा ना क्वेश्चन वो लड़का हमसे पूछा था बता दे ना, बोलता सर वो क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन कौन बताएगा उसको, ठीक है ना, तो कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे डू के साथ रहता है लिखा हुआ, देखना बुक सब में बुक का बात उधर है तुम लोग, ठीक है ना, जैसे तुमसे पूछेगा क्या तुम काम करोगे विल यू डू वर्क, हाँ या विल यू वर्क नहीं बोल सकते, हाँ बोल सकते हैं ठीक है, लेकिन लिखा ऐसे रहता हूं बता दिए ठीक है। अच्छा मुझे इंतजार नहीं करना है, तो देखो नहीं बोला क्या बनेगा आई हैव नॉट आई टू वेट, हाँ मुझे खाना था क्या बनेगा, बस हैड कर दो आई हैड टू ईट, लेकिन अगर कर दिया आई हैड ईटन तो मैं खा चुका था, घुस जाएगा टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस,
वर्ब का देखो है, जब हैड के साथ वर्ब का तीसरा सेट करेगा तो टेंस में घुस जाएगा, लेकिन हम पढ़ता पढ़ती है मैं ना वाला वाली में है ना, ठीक है। मुझे जाना होगा, क्या बनेगा? आई सेल हैव टू गो, बहुत आसान है और नहीं है। मुझे जाना है, क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो, इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा एग्जाम है तो तुम क्या बोलेगा? ए, हमको जाना पड़ेगा। कोई बोलेगा मत जाना तो क्या बोलेगा? हमको जाना पड़ेगा भाई, क्या बोलेंगे? आई शैल हैव टू गो, आसान नहीं है। छ को एक्सरसाइज है, एक दो तीन चार पांच, छ है ना, छ बन जाएगा। छ का पहला क्वेश्चन बता दिए है, एक्सरसाइज क्या था देखो तो, चैप्टर क्या है, क्या चैप्टर? चैप्टर चैप्टर दसवां है ना, दस है। एक्सरसाइज 62 से कहां तक? 72 से स्टार्ट है, 72 से कहां तक? 62 से है, जूनियर का बात कर रहे हैं। 62 से एक आदमी बोलो, देखो ना खोल के, हो गया 66, खोल के देखना उसमें होगा वन टू हैव, क्या चीज 62 से है ना, बाकी देख लो। अरे चैप्टर लिखा लेना, चैप्टर तो यहीं से तो दिख जाएगा भाई तुमको, जूनियर में ही चैप्टर है, जूनियर में क्या देखना, जूनियर में चैप्टर है, बाकी नहीं। हाँ ठीक है, देखो तुम करंट बनाओ, जूनियर बनाओ, बिगनर बनाओ, बेसिक बनाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बता देते हैं, बता दो, रुको एक मिनट, कोई बात बराबर है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, अंतर क्या पता जूनियर करंट में? जूनियर में क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन हार्ड भी, क्वेश्चन दुगुना भी है, तुमको एक्सरसाइज भी ज्यादा होगा, एक एक एक्सरसाइज में बहुत ही भरल है क्वेश्चन। तो देखो हम क्या बोले कि पहले क्या बना लो, जूनियर बना लो, जूनियर खत्म हो गया, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ गया, अब तुम अपना करंट घर पे बैठ के बनाओ या नहीं बना हमको दिक्कत नहीं है, कम से कम जूनियर बना लो। सब बातें हम बोल ही देते हैं लेकिन बनाएगा तब याद होता है, ऐसा थोड़े है कि तुम विद्वान थोड़े, एक बार बोल दिए कल जाता है, एक बार बोल देंगे तुमको याद हो जाएगा। रिविजन रिविजन, अब बोलो क्या पूछ रहा है? उसकी बहन गाने को, हेलो ना, सीधे आंसर दे, हिज सिस्टर गाने को है ना, इज, देखो गाने को है या गाने वाली है, एक के बात है, इज टू सिंग, ठीक तो है, को है या वाला अति वाला वाली है, एक के बात है, हम कल बता दिए थे शायद, मैं जाने वाला हूं या मैं जाने को हूं, तो वहीं पर सेट किया गया है और कुछ नहीं, ठीक है, काफी है।